हेलो, वेलकम यू ऑल। आज 1 अप्रैल और आप सभी के लाए फिर से एक इम्पोर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मार्केट में इतना बड़ा डाउन फॉल क्यों है, क्या है इसके बिहाइंड के रीजन। जबकि निफ्टी जब सुबह खुला था तो 8,580 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहां से इसमें इतनी जबरदस्त गिरावट आई कि आज इसने डाउन साइड 8,200 तक को टच कर दिया। तो वहीं एंड में हमारे को थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली, जो हमारा निफ्टी क्लोज हुआ 8,262 के आसपास हुआ। पर इस गिरावट के पीछे के रीजंस क्या है, तो दोस्तों हम जानेंगे वन पॉइंट बाय पॉइंट। तो वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना कीजिए, क्योंकि यही है आगे आने वाले दिनों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो उससे पहले आपको ये सारे पॉइंट्स दिखाऊं, प्लीज सपोर्ट, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, यार मोटिवेशन मिलता है। एंड कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट कीजिए, जो भी आपकी क्वेरीज हो मैं उसमें करूंगा रिप्लाई, क्योंकि मेरा जॉब बनता है आपको रिप्लाई करना। तो करेंगे पहले पॉइंट की बात। तो कोविड है 19 पहला पॉइंट, जिसकी वजह से इंडिया में हो चुके हैं टोटल केस 1,397। वहीं अभी तक 8 डेज का जो लॉकडाउन रहा है, और हेल्थ मिनिस्टर ने ये भी बताया है लगभग हो चुका है 35 पीपल्स की डेथ ड्यू टू दिस वायरस। और ग्लोबली देखा जाए तो ये इन्फेक्शन हो चुका है रेज 8.6 लाख, और 42,300 पीपल जिसकी वजह से मर चुके हैं। इन्फेक्टेड कंट्रीज है यूनाइटेड स्टेट, इटली, स्पेन, इनके पास रजिस्टर है मोर डेथ देन द चाइना, और जहां से ये आउटब्रेक स्टार्ट हुआ। तो चाइना में कम डेथ हुई जहां से ये वायरस फैला था, और अदर कंट्रीज़ को ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ रहा है। और इस आउटब्रेक से ये हो रहा है ग्लोबल इकोनॉमी को इफेक्ट, जिसकी वजह से हमारे स्टॉक मार्केट में भी पड़ा है इफेक्ट। तो ये था पॉइंट नंबर वन। अब चलेंगे हम पॉइंट नंबर टू की तरफ से। तो आपको पता है एशियन शेयर्स जो है, और ये यूरोपियन स्टॉक्स है, और वॉल स्ट्रीट फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर दिखा, और ग्लोबल रिसेशन का हिंट हो रहा है, इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को ले रहा है कि ग्लोबली रिसेशन आ सकता है। इसकी वजह से भी हमारे मार्केट में आज डाउनफॉल देखने को मिला। और वहीं देखे जो ग्लोबल रिसेशन की बात चली है, जिसका फेयर बना हुआ है ड्यू टू दिस इन्फेक्शन, इसी की वजह से आज हमारा मार्केट डाउन रहा। वहीं अगर आप देखें यूरोपियन स्टॉक को, वो भी 3% तक डाउन रहे। तो ये था नंबर पॉइंट नंबर टू। और पॉइंट नंबर थ्री की बात करेंगे तो जो हमारे बड़े बड़े हैवी वेट्स हैं बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर में, उनमें स्ट्रॉन्ग लॉसेस देखे गए, और उसी की वजह से बेंचमार्क जो हमारा इंडिकेट था वो डाउनवर्ड्स हुआ। बैंक निफ्टी में लगभग 4% की गिरावट देखने को मिली, और जो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज थी इंडेक्स, वो लगभग 3% डाउन देखने को मिला। तो इन्वेस्टर का मानना ये है कि जो इकोनॉमी और बिजनेस की एक्टिविटीज़ है वो हो चुकी है कम, और इसकी वजह से बैंक को करेंगे लोन हिट्स, और उनकी अर्निंग और मार्जिन में पड़ेगा इससे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा असर। तो इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि सारी इकोनॉमी बैठ चुकी है, कोई वर्कआउट काम नहीं हो रहा है, ना फाइनेंशियल सेक्टर में ना बैंकिंग सेक्टर में, और इनके NPAs होने वाले हैं इंक्रीज़। तो इसी वजह से ये था डाउनफॉल का एक और रीज़न, जिससे पैसा निकल रहा है बाहर। तो ये था पॉइंट नंबर थ्री। तो पॉइंट नंबर फोर की बात करेंगे हम। तो जो ऑटो सेल्स के नंबर है मार्च में काफ़ी डिक्लाइन होने वाले हैं एज़ पर द सेंटिमेंट्स। जो मारुति सुजुकी है उसकी सेल्स 47% तक डाउन हो चुकी है, और वहीं आईफियर मोटर का भी सेल्स प्लस हुआ है लगभग 82.7%। ये सब ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात हो रही है। वहीं अशोक लीलैंड भी हो चुका है टैंक्ड ओवर 90% ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो ऑटो सेक्टर में तो आपको पता है, एक तो BS4 जो इनके इंजन की गाड़ियां थी वो इनको बेचनी थी 31 मार्च से पहले, और इस इन्फेक्शन की वजह से इसमें कंपनी को आ गया और ज़्यादा लॉस। एक तो वो नहीं बिक पाई, ऊपर से आगे का काम नहीं हो पाया, और आगे भी दिक्कत आती हुई नज़र आ रही है। इसी वजह से इस सेक्टर में भी रहा है आज काफ़ी सेल ऑफ, और ये भी है एक इन्वेस्टर्स का रीज़न कि मार्केट हमारे को डाउन क्यों जाती हुई दिख रही है। तो वहीं अगर हम टेक्निकल चार्ट पे आएंगे तो निफ्टी आ चुका है अपने
5 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे जो है 5 पे जो आ रहा है कैलकुलेट होके 8,488 जो हमारे को लगभग पिछले कुछ दिनों से दे रहा था सपोर्ट, वही करेंगे। आरएसआई की बात, आरएसआई भी दिखा रहा है 34.89, मतलब कि ओवरसोल्ड कंडीशन पर। ओवरसोल्ड कंडीशन में जब भी निफ्टी ने मारा है अच्छा बाउंस बैक, तो उसने 2 बारी मारा है 14.10 से बाउंस बैक। तो हम मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये फिर से इस कंडीशन में जाता तो फिर से हमारे को एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो वो था वनडे का चार्ट। अब आ चुके हैं हम 1 मंथ में चार्ट की। अगर सपोर्ट ढूंढना हो इसका, सपोर्ट कहाँ है, तो सपोर्ट कहीं नहीं दिख पा रहा क्योंकि ये है ब्लू लाइन में। इसका 1 मंथ का 100 मंथ का सिंपल मूविंग एवरेज, 100 मंथ का, डे का नहीं, 100 मंथ का सिंपल मूविंग एवरेज जो कर रहा है इसके पास नीचे ट्रेड। 1 मंथ में भी दिख रही है वीकनेस और 1 मंथ में भी चला गया RSI के नंबर 30 के आसपास जो आ चुका ओवरसोल्ड में। अगर हम देखें तो सपोर्ट था लगभग 8,468 के पास, जो वन डे में भी हमारे को 5 डेज में सिंपल मूविंग एवरेज के पास ही दिख रहा था। तो ये आ चुका है उससे नीचे। तो अगर ये सपोर्ट कल ये नहीं तोड़ता, इससे ऊपर को नहीं जाता है, तो लगभग और गिरावट हमारे को फर्दर देखने को मिल सकती है। निफ्टी हमारा 8,000 से नीचे जाता हुआ हमारे को दिख सकता है। तो दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन लगी हो आपको अच्छी, तो प्लीज़ सपोर्ट, सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट कीजिए, जो भी आपकी क्वेरीज हो मैं करूँगा उसमें डेफिनेटली रिप्लाई। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।